अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में हमें कहा गया है कि मशीनरी परचेज की गई है 2 लाख की, एस्टिमेटेड लाइफ 3 ईयर है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है 33.1/3% पर एनम। देन रिजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू जो है वो हमें दी गई है मशीनरी की 20,000। और रिक्वायरमेंट पार्ट बी में यह है कि मशीनरी का अकाउंट बनाना है 3 सालों के लिए और जो मेथड यूज़ करना है वो ओरिजिनल कास्ट मेथड है। तो वो जब हमें ओरिजिनल कास्ट मेथड से कहा गया हो और हमें स्क्रैप वैल्यू दी गई हो तो हम इस परसेंटेज को इग्नोर कर देते हैं और हम एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो निकाल लेते हैं। देन उस एनुअल डेप्रिसिएशन की बेस पे जो है मशीनरी का अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले मशीनरी की कास्ट जो है वो 2 लाख है, तो ये एंट्री हो जाएगी। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि जब भी मशीनरी परचेज की जाती है जो उसकी कॉस्ट होती है तो एंट्री ये होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। तो मशीनरी जो है वो डेबिट हो रही है विद द रेफरेंस ऑफ कैश, अमाउंट आ जाएगी 2 लाख। देन अब हमने इस अमाउंट पे चार्ज करनी है फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है जैसा कि जब हमें स्क्रैप वैल्यू गिवन हो और ओरिजिनल मेथड से ओरिजिनल कॉस्ट या स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करनी हो तो हम एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो निकाल लेते हैं। अब एनुअल डेप्रिसिएशन का फार्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड लाइफ। जी स्टूडेंट, तो इस फॉर्मूले से हम एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। कास्ट में से हम रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू जो हम माइनस करेंगे और जितनी भी एस्टिमेटेड लाइफ होगी उस एसेट की उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 साल की कितनी एनुअल डेप्रिसिएशन, यानी कि 1 साल की कितनी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है। तो मशीनरी की वैल्यू 2 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू जो है 20,000 है डिवाइडेड बाय 3। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि एनुअल डेप्रिसिएशन जो है जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आ रही है हमारे पास 60,000। अब वही एंट्री दोबारा से है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। सिक्सटी थाउजेंड इसकी वैल्यू आ जाएगी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो। जी, तो इसके बाद अब हमें बैलेंस निकालना है, हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 2 लाख में से 60,000 हम माइनस कर रहे हैं 1,40,000, टोटल में हमारे पास 2 लाख आ जाएगा। और ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि ये बैलेंस जो है ये सेकंड ईयर में हम ब्रॉड डाउन कर लेंगे, बैलेंस पी डी हो जाएगा 1,40,000। ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि एनुअल डेप्रिसिएशन जो आ रहा है वो 60,000 है, ओरिजिनल मेथड में कोई भी डेप्रिसिएशन का रेट चेंज नहीं होता, तो यही 60,000 अगेन वही एंट्री सेकंड ईयर में भी आ जाएगी। डेप्रिसिएशन डेबिट होगी, मशीनरी क्रेडिट, तो मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है विद द रेफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन, वही एनुअल डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर लेंगे। अब अगेन बैलेंस निकाल लेंगे, बैलेंस सीडी हमारे पास आ जाएगा 1,40,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो 80,000, अगेन टोटल में आ जाएगा 1,40,000।
और फिर यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन हो जाएगा थर्ड ईयर, बैलेंस बी डी 80,000। अगेन हमने तीसरे साल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, एनुअल डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हमने 60,000 जो है वो कैलकुलेट की हुई है, तो दोबारा से मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा विद द रेफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। अब 80,000 बैलेंस है, 80 में से 60,000 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास बैलेंस आ रहा है 20,000 जो कि स्क्रैप वैल्यू है। ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि तीन साल के डेप्रिसिएशन के बाद जो स्क्रैप वैल्यू आएगी वो 20,000 थी, तो ऑलरेडी हमारे पास जो है एंड पे स्क्रैप वैल्यू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से आपके पास जो है एंड पे स्क्रैप वैल्यू बच जी गए जो कि बैलेंस है 20,000। जी बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, जिसमें हमने सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन का फार्मूला लगाकर एनुअल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया है और तीनों ईयर वही 60,000 है डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।